दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय NHPC। जिला कुल्लू के भुंतर में लॉकडाउन के दौरान मिली उपरोक्त छूट के बीच पुलिस ने सुरक्षा घेरा और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। हालांकि मोबाइल सेवाएं, मनरेगा, IT सेक्टर तथा अन्य घरेलू स्तर के कार्य शुरू होने से राहत भी मिली है, लेकिन शहर में सख्ती बरकरार है। शहर में पुलिस की टीम ने बिना कागजात घूमने वाले वाहन चालकों को चालान भी थमाए और बिना कारण बाजार में घूमने वालों की भी खूब खबर ली। भुंतर के सात बाजारों में स्थित एंट्री गेट पर पुलिस की टीम ने पहरा बढ़ाया हुआ है। शहर में निकलने वाले हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना भी जरूरी कर दिया है। इसके अलावा भीड़ लगाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। दिव्य हिमाचल TV के लिए भुंतर से संदीप काचरू के साथ हीरालाल ठाकुर की रिपोर्ट। भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी NHPC ने COVID-19 महामारी के रूप में पैदा हुई वर्तमान वैश्विक आपदा के खिलाफ अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कई पहल और उपाय किए हैं। अपने सभी 22 पावर स्टेशनों से बिजली का निर्बाध उत्पादन करते हुए NHPC एक जिम्मेदार कारपोरेट के रूप में कार्यरत है। फिर चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती और दुर्गम इलाकों में स्थित दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना हो या कंचनजंगा की तलहटी में बसा 30 पावर स्टेशन, कश्मीर घाटी में स्थित उड़ी दुलहस्ती एवं किशन गंगा पावर स्टेशन हो या लद्दाख में कठोर मौसम की मार झेलते निम्मो बाजगो और चुटक पावर स्टेशन। इस कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए NHPC के सभी पावर स्टेशनों, परियोजनाओं तथा कार्यालयों पर समर्पित कार्यबल है, जो लगातार इस आपदा के खिलाफ NHPC की मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं। पावर स्टेशनों पर सभी कार्य क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है और सभी कार्मिकों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। NHPC भोजन और सूखे राशन का वितरण भी कर रही है। इसी क्रम में NHPC उत्तराखंड के धारचूला में भारत नेपाल सीमा पर फंसे सैकड़ों नेपाली नागरिकों के लिए प्रतिदिन भोजन उपलब्ध करा रही है। NHPC और इसके कर्मचारी इस विपरीत परिस्थिति में समाज के साथ एकजुट खड़े रहते हुए सतर्क और जागरूक हैं। आइए जागरूक और जिम्मेदार बने। स्वच्छता, साफ सफाई और सामाजिक दूरी के साथ कोरोना को हराएं। धन्यवाद।